भ्रष्ट और नकारा अफसरों और कर्मचारियों के खिलाफ सीएम योगी आदित्यनाथ ने सख्त रुख के बाद सचिवालय प्रशासन ने अनिवार्य सेवानिवृत्ति के लिए 30 अधिकारियों के नाम छांट लिए हैं। इन अधिकारियों की फाइलों को निकालकर उन्हें बाहर का रास्ता दिखाने की औपचारिकताएं पूरी की जा रही हैं। जल्द ही इस सूची को अनुमोदन के लिए मुख्यमंत्री के पास भेजा जाएगा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को सचिवालय प्रशासन की समीक्षा बैठक के दौरान भ्रष्ट और नकारा अफसरों को चिन्हित कर उन्हें अनिवार्य सेवानिवृत्ति देने के निर्देश दिए थे। उन्होंने कहा था कि अधिकारी कर्मचारियों की जरूरत सरकार को नहीं है जो व्यवस्था के प्रति ईमानदार नहीं है। सीएम की बैठक के बाद ऐसे अफसरों की फाइलें खंगालना शुरू कर दिया गया। जानकारी के मुताबिक ऐसे 30 अफसरों को चिन्हित कर लिया गया है जिन्हें सेवानिवृत्ति अनिवार्य रूप से दी जाएगी। इसमें 17 समीक्षा अधिकारी, 8 अनुभाग अधिकारी, 3 अनुसचिव और 2 उपसचिव शामिल हैं। इन सबके खिलाफ पूर्व में हुई जांचों, कार्रवाई और उनके खिलाफ दर्ज आपराधिक मामलों का ब्यौरा जुटाया जा रहा है जिससे उन्हें सेवा से हटाने में पर्याप्त आधार मौजूद रहे। इससे पहले केंद्र सरकार ने भी 15 वरिष्ठ आईटी अधिकारियों को जबरन सेवानिवृत्त कर दिया था।